नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और आज सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ एक लक्ष्मण जाट मेरे फ्रेंड राजस्थान से, जिन्होंने एक अपनी प्राइमरी रिकवरी के वीडियो जो मुझे भेजे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँ। और जो प्राइमरी रिकवरी में जो एक्सरसाइज होती है, जो इम्प्रूवमेंट होती है, इस वीडियो में वही मैंने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए वो वीडियो देखते हैं। धीरे धीरे सेंसिटिविटी जब शुरू हो जाती है आना, तो एक हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाती है, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम ये छोटी छोटी एक्सरसाइजें जो घर में करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये लक्ष्मण जी अभी अपनी नी के बल चल रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब नी पे हमारा वेट पड़ता है तो हमारी कमर को भी स्ट्रेंथ मिलती है और हमारे लेग को भी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, शुरू में मुश्किल होते हैं, प्राइमरी एक्सरसाइज में थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत जल्दी आप इनको कर सकते हो और इनको रिपीटेशन करने पर आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप बड़ी आसानी से कर लेते हो। बाकी इनका जो दूसरा वीडियो है ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को बहुत छू गया, क्योंकि इसमें इनकी फैमिली के एक छोटी बच्ची है जो इनके लेग्स को पीछे खींच रही है ताकि ये अपने फोर्स से अपने लेग्स को फॉरवर्ड कर सकें, खींच सकें, जिससे इनकी लेग्स में स्ट्रेंथ हो जाए। और नेक्स्ट इनकी धर्मपत्नी जी हैं जो बाकर को खींच रही हैं, जिसको इनको थोड़ी हेल्प हो रही है चलने में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्पाइनल इंजरी के कोई पेशेंट है आपके पास, तो उसको बोझ ना समझें, उसे प्यार दें, उसे सपोर्ट दें, पूरी सपोर्ट करें उसे बात करने में, उसको खड़ा करने में। क्योंकि जब आपका पेशेंट बाकर पे चलना शुरू हो गया तो समझो कि उसने सारी दुनिया जीत ली, आगे वो हार मानने वाला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मैक्सिमम ट्राई कीजिए, कोशिश करिए कि आपका जो भी रिलेटिव है तो उसको बाकर तक उसकी खूब मदद कीजिए, उसके बाद तो वो खुद ही संभाल लेगा। बाकी इस तरह से मैंने भी दो पाइपें अपने गसत पे फिक्स की थी, जिन्हें कहते हैं पेल्डर वार्स। इसमें चलने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो सारा मैक्सिमम वेट है जो हमारे लेग्स के ऊपर पड़ता है, तो पैरों में और टांगों में मजबूती आना शुरू हो जाती है। तो इसका हेल्प ये होती है कि हमारे बॉल्स और ब्लैडर में भी कंट्रोल आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, हमारी नसें खुलती हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है। तो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है, बॉल्स का कंट्रोल करना, ब्लैडर्स का कंट्रोल करना, ये भी अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो घबराने वाली कोई इसमें बात नहीं है। जो SI में जो एक लोगों का डर है कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो, फलानी फलानी उनकी दराएँ बने रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है, आप खड़े हो पा रहे हो, थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो टाइम लगेगा, लेकिन आप जहाँ तक हो सके आप ठीक हो जाओगे। तो इनकी जो एफर्ट देख के तो मुझे नहीं लगता कि इनको और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आने वाले 6 महीने में या साल के अंदर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैक्सिमम जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल बना हुआ है, तो उनमें से कुछ लोग तो बहुत घबरा जाते हैं कि हमें क्या होगा, हम ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सिर्फ आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए और एक हौसला होना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम हो गई है वो तो अब हो गई है। तो अब आपका जो हौसला है, जो एक विल पावर है, वो ही आपको आगे लेके जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने बाकर पे इंडिपेंडेंट चलना भी सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने खड़े होने का जो थोड़ा तरीका है, वो थोड़ा सा मुझे डेंजरस लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये खड़े हुए हैं उस तरह से ये स्लिप भी हो सकते हैं। तो मैं इनको पर्सनली मैसेज करके इस बारे में बता दूंगा। तो बाकी जब बाकर पे चलना शुरू कर दिया आपने, तो उसके बाद पाइप पे शुरू हो गए चलना, उसके बाद धीरे धीरे आप स्टिक पे आ गए। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज और मूवमेंट्स हैं जो आपकी इंजरी को इम्प्रूवमेंट करने में बहुत हेल्प मिलती है। बाकी कोई भी अगर आपका रिलेटिव है, उसको ये वीडियो ज़रूर सेंड करें ताकि उसको मोटिवेट मिल सके। आई होप कि जी हमारे भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाए। थैंक